गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछले वीडियो में भारत से संबंधित टॉपिक हम लोग रिवीजन कर रहे थे और समझ रहे थे। आज की वीडियो में साइंस से संबंधित जो भी पहले के टॉपिक लिखवाए हैं उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी लिखे हैं, उसका ऑप्शन भी लिखे हैं। तो जो भी टॉपिक पहले के लिखवाए हैं काफी अच्छा अच्छा टॉपिक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। समझ रहे हैं हम लोग? तो देखिए, फर्स्ट में लिखे हैं जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक जो है किसको कहा जाता है? ए में लिखे हैं अरस्तु, बी में लेमार्क और सी में रदरफोर्ड और डी में सभी। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जनक जो है किनको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं, अरस्तु। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल उत्पन्न होता है। आप लोगों को बताए थे कि सत्य फल और सत्य फल दोनों आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट में लिखे हैं पुष्पक्रम, सेकंड में लिखे हैं बी में अंडाशय और सी में लिखे हैं क्या चीज, ए और बी दोनों और डी में लिखे हैं सभी। ठीक है, तो असत्य फल, असत्य फल होता क्या है, कौन कौन से फल जो है असत्य फल होते हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताने की। असत्य फल के अंतर्गत जो होता है कटहल होता है और सेब होता है और नाशपाती होता है, ये सब जो होता है ये फूल भाग को खाया जाता है। ठीक है, तो वे जो होता है क्या होता है, असत्य फल होता है। तो फूल भाग को क्या बोला जाता है, उसको पुष्पाशक के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, पुष्पक्रम कहिए या फूल भाग कहिए, ठीक है, उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य फल उत्पन्न होता है। ठीक है, सत्य फल किससे उत्पन्न होता है, ए में लिखे हैं पराग कोष, बी में अंडाशय, सी में बीजाणु और डी में कोई नहीं। ठीक है, तो जो सत्य फल होता है, ठीक है, सत्य फल में क्या थी, तो अंडाशय। ठीक है, अंडाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है घेघा रोग किसकी कमी से होता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए में लिखे हैं आयोडीन, बी में विटामिन ई और सी में लिखे हैं विटामिन बी और डी में जो है सो विटामिन डी। ठीक है, तो आयोडीन, आयोडीन की कमी से जो है सो कौन सा रोग होता है, घेघा रोग होता है। समझ गए आप लोग? उसके बाद नेक्स्ट है कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है। ठीक है, यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है, विटामिन लिखे हैं ए में विटामिन ए, बी में लिखे हैं विटामिन बी और सी में विटामिन सी और डी में सभी। ठीक है, तो यकृत में जो है विटामिन जो संचित होता है उसको क्या बोला जाता है, विटामिन ए संचित होता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि मधुमेह रोग का कारण है। ठीक है, मधुमेह जो रोग हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है, ए में लिखे इंसुलिन की कमी, बी में आयोडीन की कमी और सी में ए बी दोनों और डी में कोई नहीं। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है जी, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग कहिए या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यानी आयरन की मात्रा जो है किस में पाया जाता है सबसे अधिक, ए में लिखे हैं अंडा और बी में हरी सब्जी और सी में दूध और डी में सेब। ठीक है, तो जो है क्या चीज, लोहा जो पाया जाता है किस में, हरी सब्जी में पाया जाता है। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जी में पालक हो गया, ठीक है, या सरसों के साग हो गया, ये सब में क्या होता है, लोहा की आयरन की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे चेचक का टीका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, ए में लिखे हैं क्या चीज, एडवर्ड जेनर और बी में लिखे हैं रोनाल्ड रॉस और सी में ए बी दोनों और डी में सभी। ठीक है, तो जो चेचक का टीका जो है इसका खोज किसने किए थे जी, तो एडवर्ड जेनर, उनका क्या नाम था, एडवर्ड जेनर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम जानेंगे कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु का पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था, उनका क्या नाम था जी, देखिए ए में लिखे हैं लुई पाश्चर और बी में ल्यूनर और सी में क्या लिखे हैं, एडवर्ड जेनर और डी में कोई नहीं। ठीक है, तो जो है सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाए थे कौन, तो ल्यूनहॉक,
उनका क्या नाम है जी, लुइन हॉफ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जानेंगे हम लोग निमोनिया रोग किसके कारण होता है। ठीक है, निमोनिया जो रोग हो जाता है किसके कारण, ए में लिखे हैं बैक्टीरिया, बी में शैवाल और सी में कवक और डी में वायरस। ठीक है, ये आप लोग को विस्तार पूर्वक पहले बता चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया के अंतर्गत आता है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाला रोग होता है, कौन, निमोनिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसके आगे जो है कल हम लोग नया टॉपिक पढ़ने का प्रयास करेंगे।